Assalamu alaikum. We will be covering extensive response questions, matlab long answers. Okay, so the first question is, what measures would you take to avoid respiratory disorders? Yani ki respiratory bimariyan jo hum logon ne padhi hui thi is chapter mein, like asthma and lung cancer and bronchitis, is type ki bimari jo respiration se related hai, in tamam bimariyon se kis tarike se bacha ja sakta hai. There are several ways by which we can avoid respiratory disorders and keep our lungs healthy. Fruit and vegetables contain vitamins. Vitamins keep our lungs healthy. Fruits and vegetables ke paas different kind of vitamins hote hain aur vitamins jo hote hain hamare immune system ko strong rakhta hai. Immune system wo system hota hai insano ke andar ya janwaron ke andar jo bimariyon se ladta hai. To agar aapka immune system strong hai to aapke jo बीमारी के चांसेस हैं वो बहुत कम हैं एंड टू कीप योर इम्यून सिस्टम हेल्दी यू नीड विटामिंस सो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कंटेन विटामिंस विटामिंस कीप आवर लंग्स हेल्दी नंबर टू एक्सरसाइजेस लाइक रनिंग वॉकिंग स्विमिंग जंपिंग साइकिलिंग एक्सेट्रा आर गुड फॉर आवर लंग्स जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे लंग्स की जो फंक्शनिंग होते हैं वो प्रॉपर वे से चल रहा होता है डेली बेसिस पे उससे क्या होता है कि जब लंग्स हमारे प्रॉपर वे से फंक्शन कर रहा होता है तो वो हेल्दी रहता है नंबर थ्री लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स कंटेन केमिकल्स दैट आर गुड फॉर आवर लंग्स यानी वेजिटेबल्स के अंदर जो ग्रीन कलर के वेजिटेबल्स होते हैं लाइक पालक हो गया आपका ठीक है या कैबेज हो गया आपके पास ओके सो ये इन सब के पास जो है केमिकल्स मौजूद होते हैं दैट आर गुड फॉर आवर लंग्स यानी कि जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनके पास लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उनके पास आयरन होता है तो ये आपके लंग्स को जो है स्ट्रॉन्ग रखता है इसके अलावा भी दूसरे होते हैं विटामिंस भी होते हैं इसके अंदर कैल्शियम होता है पोटेशियम होता है तो ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं केमिकल्स होते हैं दे कीप आवर लंग्स हेल्दी नंबर फोर अवॉइड स्मोकिंग स्मोकिंग इज अ मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर स्मोकिंग से आगे आपका क्वेश्चन नंबर फाइव भी आएगा इसी लॉन्ग आंसर्स में एक्सटेंसिव में दैट स्मोकिंग किस तरीके से जो है डिफरेंट बीमारियां कॉज करता है तो अगर आप स्मोकिंग को आप जो है अवॉइड करेंगे तो आप बहुत सारे तकरीबन तमाम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से आप महरूम रहेंगे यानी आपको बीमारी नहीं होगी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ओके नंबर फाइव प्लांट ट्रीज टू क्लीन अप द एयर अराउंड यू अगर आप दरख्त उगाएंगे अपने इर्द गिर्द चाहे आपके घर हो या जहाँ पे आपका रहना हो तो वहाँ पे जो है क्या होगा कि आपकी हवा साफ होगी हवा में गंदगी नहीं होगी तो आप जो सांस ले रहे होंगे वो हवा साफ होगी जिसकी वजह से आपकी बीमारियाँ जो रेस्पिरेटरी बीमारियाँ हैं वो आपको नहीं होंगी Do not share your stuffs, especially utensils, with others, since most of the respiratory disorders are spread by droplets that come from sneezing and coughing. अपने चीज़ों को खासकर utensils का मतलब है ऐसे सामान जो खाने पीने के लिए इस्तेमाल होता है लाइक स्पून्स हो गया आपका फॉर्क हो गया आपका ठीक है या प्लेट्स हो गया ग्लास हो गया तो अगर आप ये तमाम चीज़ें दूसरों से शेयर ना करें दूसरों से इन द सेंस एक्सक्लूडिंग योर फैमिली फैमिली के साथ भी किया जा सकता है बट मोस्टली जो है आउटसाइड ऑफ फैमिली के साथ ये स्पेशल आपको जो है प्रिकॉशनरी स्टेप लेना पड़ता है बिकॉज जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उनमें से मोस्टली जो बीमारियां होती हैं रेस्पिरेशन से मुतल्लिक से रिलेटेड वो ड्रॉपलेट से यानी जब आप खांसी करते हैं या छींकते हैं तो क्या होता है कि आपके मुंह से कुछ थूक काइंड ऑफ कुछ निकल रहा होता है ड्रॉपलेट्स निकल रहा होता है जिसमें बीमारियाँ होती हैं यानी क्योंकि आप जो है वो चीज़ें शेयर करेंगे दूसरों के साथ तो उनकी बीमारियां आप तक पहुंच सकती हैं या आपकी बीमारी दूसरों तक पहुंच सकती है तो इसलिए अपनी चीज़ों का जो है खुद ही आप जो है वो उसको इस्तेमाल करें दूसरों को इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दें क्वेश्चन नंबर टू डिस्कस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद द हेल्प ऑफ सूटेबल इलस्ट्रेशन यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करें कि वो कैसे काम करता है और एक इलस्ट्रेशन के साथ शो कीजिए यानी ड्राइंग के साथ शो कीजिए द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम The air passageways consist of nostrils, trachea, bronchi and bronchioles. जो हमारा respiratory system है उसमें mostly main जो organs हैं वो है nostrils, trachea, bronchi and bronchioles. Air from outside enters into the nasal sacs through external nostrils. यानी कि हमारे नाक में जो hole बना हुआ है nostrils बना हुआ है उससे जो बाहर की हवा है वो हमारे body के अंदर enter होती है The internal opening of nasal sacs opens into a long tube trachea nostrils se jo hawa aati hai wo trachea ke andar jaake enter karti hai in its beginning there is a sound box containing vocal cords to produce sound called larynx trachea ke bilkul entrance mein larynx maujood hota hai
The ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स इज नोन एज ग्लोटिस. द लैरिंग्स की जो ओपनिंग है जहाँ से उसकी एंट्रेंस है उसको ग्लोटिस कहते हैं. विच हैज़ अ लिड लाइक कवर एपिग्लोटिस. ग्लोटिस के सामने जो है एक कवर होता है एपिग्लोटिस. अब एपिग्लोटिस का मेन मकसद क्या होता है कि क्योंकि जो जो पाथवे होता है एयर पाथवे उसी के साथ जो हमारा एसोफेगस भी होता है. तो उससे क्या होता है कि एपिग्लोटिस का मेन मकसद ये होता है कि वो खाना या पानी को उस तरफ इंटर होने ना दे. अक्सर क्या होता है, इसलिए कहा जाता है हम लोगों को बचपन से कि आप जब खाना खा रहे हो या पानी पी रहे हो तब सांस नहीं लें. अगर आप लेट्स सपोज सांस ले रहे हैं पानी पीते वक्त, ठीक है, तो उससे क्या होता है फिर आपको बहुत सारी खांसी होती है. इवन आपको कभी कभी जो है खाना गलत गली में गलत नली में चले जाता है तो उसकी वजह से भी आपको खांसी होती है. तो एपिग्लोटिस बेसिकली एक कवर होता है टू मेक श्योर कि जो पानी और खाना है वो एसोफेगस में इंटर हो और जो हवा है वो ट्रेकिया के अंदर इंटर हो. ट्रेकिया इज द सेंटर ऑफ थोरेक्स, बाइफर्केट्स इनटू टू स्मॉलर डक्ट्स कॉल्ड ब्रोंकाई. ट्रेकिया जो है थोरेक्स यानी हमारे सीने के बीच में जो है वो दो अलग अलग हिस्से में बढ़ जाता है, दो अलग पाइपलाइंस में बढ़ जाता है और उस पाइपलाइंस को हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई. ओके, एज सून एज इच ब्रोंकस इंटर्स इन टू द लंग्स इट ब्रेक्स अप इन टू मैनी स्मॉलर डक्ट्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स. वो जो ब्रोंकस है, दो जो ब्रोंकस है, दो एक जो है लेफ्ट में इंटर होता है लंग में और एक राइट लंग्स में इंटर होता है. जब लंग्स के अंदर इंटर होता है तो वो और भी ज़्यादा छोटे पाइपलाइंस ब्रोंक्यूल्स में वो टूट जाता है, ब्रेक डाउन, उसमें और ज़्यादा पार्ट्स बन जाते हैं और ज़्यादा पाइपलाइंस छोटे छोटे पाइपलाइंस में से आ जाते हैं. इच ब्रोंक्यूल इज वेरी थिन ट्यूब दैट ओपन्स इन टू एयर सैक और एल्वोइडी. और फिर हर ब्रोंक्यूल्स के एंड में एयर सैक होता है विच इज नोन एज एल्वोइडी. ये आंसर के साथ आप इंटरलीफ में जो है ये वाली डायग्राम ड्रॉ करेंगे विथ लेबलिंग. ओके, क्योंकि सवाल में भी कहा गया है टू आंसर टू डिस्क्राइब द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अलॉन्ग विद द इलस्ट्रेशन. क्वेश्चन नंबर 3 इज प्रूव विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करना है दैट जब हम सांस लेते हैं बाहर निकालते हैं तो उस दौरान हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. ओके, सो इसमें क्या करना है, यू हैव टू टेक टू टेस्ट ट्यूब्स, फिल देम विद लाइम वाटर. लाइम वाटर से उसको फिल करना है दोनों टेस्ट ट्यूब्स को. क्लोज देम यूजिंग अ कॉर्क हैविंग टू कैपिलरी टेस्ट ट्यूब इंसर्टेड इन. जैसे इसमें आपको दिख रहा है दैट इन बोथ टेस्ट ट्यूब्स वी हैव लाइम वाटर और ऊपर से कॉर्क यानी एक लकड़ी का एक टुकड़ा से हम लोगों ने उसको बंद कर देना है और कैपिलरी ट्यूब्स में इंसर्ट कर देना है. उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब ए में लेट्स सपोज आप खुद ही उसके अंदर सांस लेंगे, एक्सहेल फूकेंगे उसके अंदर, और दूसरे में आप क्या करेंगे खाली इंजेक्शन में हवा भर के उसके अंदर इंसर्ट करेंगे. तो आप नोटिस करेंगे कि जिसमें आपने फूका था वो जो लाइम वाटर है वो वाइट कलर का बन जाएगा, जबकि जो दूसरा जो टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर लाइम वाटर डाला हुआ था उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगी, कंपैरेटिवली बहुत कम चेंजेस आएंगे उसके अंदर. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लाइम वाटर जब भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है इट टर्न्स मिल्की. यानी कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेजेंस चेक करने के लिए केमिस्ट्री के अंदर हम लोग ये करते हैं कि हम लोग अगर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस चेक करना होता है तो हम लोग लाइम वाटर उसके साथ पास थ्रू करते हैं. तो वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है लाइम वाटर के साथ पास थ्रू आता है और जो लाइम वाटर है वाइट बन जाता है, मिल्की कलर का बन जाता है, तो हम लोग कह देते हैं कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो वैसे ही उन्होंने वही चीज कही हुई है. इन वन टेस्ट ट्यूब ब्लो इन टू द टेस्ट ट्यूब as shown in figure A, in other test tube atmospheric air passes through lime water as shown in figure B. Observe the changes in both test tube. Dono test tube mein aap changes find observe karenge. The test tube in which exhaled air was passed through the lime water turns milky showing presence of carbon dioxide in the exhaled air. Ab lime water jisme hum logon ne phooka tha wo jo hai white color ka ban jata hai, milky color ka ban jata hai, which means that there is presence of carbon dioxide in the exhaled air. क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वेंटिलेशन इन मैन. इंसानों के अंदर जो वेंटिलेशन का प्रोसेस है यानी सांस लेने का, सांस अंदर लेने का और बाहर लेने का जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन कीजिए. वेंटिलेशन इन मैन, ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस. ब्रीथिंग और वेंटिलेशन दोनों एक ही चीज है, सही है. तो ब्रीथिंग में दो स्टेप्स होते हैं जो शुरू में आपको बता चुके थे हम, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एटमोस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, जो आप सांस अंदर लेते हैं दैट इज नोन एज इंस्पिरेशन. The volume of thorax, यानी आपका सीना, is increased thereby decreasing the pressure of air in lungs. आपका chest, आपका सीना फूल जाता है क्योंकि उसके अंदर हवा अंदर जाती है. उस फूलने की वजह से lungs के अंदर जो air का pressure होता है वो कम हो जाता है.
So the external air rushes inside from high pressure to low pressure. The lungs get expanded in this way, और क्योंकि जो बाहर की जो हवा होती है वो अंदर हाई प्रेशर से आ रही होती है, उसको जो है बैलेंस करने के लिए, तो इसीलिए लंग्स की जो साइज है वो एक्सपेंड हो जाती है, बड़ी हो जाती है. एक्सपायरेशन बाय विच एल्वोलर एयर इज रिलीज आउट, यानी आपने रेस्पिरेशन में देखा था उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि ब्रोंकियोल्स के आखिर में एल्वोली होते हैं, छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, उसके अंदर जो हवा भरी हुई होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बाहर निकालने को हम लोग एक्सपायरेशन कहते हैं. द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, थोरेक्स के या थोरेसिक कैविटी के दोनों का मतलब सीना है, इट्स डिक्रीज्ड. उसमें हवा की हम बाहर निकाल रहे होते हैं तो हमारा जो छाता होता है, छाती होती है या सीना होता है, वो उसकी साइज डिक्रीज जाती है, कॉजिंग एन इंक्रीज अपॉन द प्रेशर ऑन द लंग्स. लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है जिसकी वजह से दिस फोर्सेस द एयर प्रेजेंट इन लंग्स टू आउटसाइड थ्रू द बॉडी, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर जो भी एयर मौजूद होता है वो बाहर की तरफ चला जाता है. The movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient. क्योंकि हम प्रेशर का डिफरेंस रख रहे हैं एटमॉस्फेयर में और लंग्स के अंदर, तो उसकी वजह से लंग्स के थ्रू जो है हमारी जो एयर जो होती है मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द लंग्स आसानी से हो पाती है. और इसमें कौन हेल्प करता है? विद द हेल्प ऑफ आवर डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल. यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से ये दबाव डालते हैं और ये हेल्प करते हैं इन द इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन ऑफ द एयर. एंड देन वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, व्हाई स्मोकिंग इज डेंजरस, स्मोकिंग क्यों खतरनाक है, हाउ इट इज रिलेटेड विद द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, कि हम लोगों ने जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़े हैं उनसे स्मोकिंग का क्या रिश्ता है, यानी आपको बताना है कि किस तरीके से स्मोकिंग वो तमाम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्रिएट करता है. Smoking can cause lung disease by damaging your airways and alveoli found in the lungs. Smoking दो तरीके से lung diseases cause करता है. Number one, वो airways को यानी कि हमारी trachea को जो है ख़राब कर देता है, उसमें जो cells होते हैं उसको जो है मार देता है. Secondly, जो lungs के अंदर alveoli मौजूद होते हैं, air sacs मौजूद होते हैं, उनको भी उनकी भी cells को ख़त्म कर देता है. अब हमें यह second part करना है, how is it related to respiratory disorders? जो respiratory disorders है वो किस तरीके से स्मोकिंग की वजह से हो सकते हैं. तो फर्स्ट देख लेते हैं ब्रोंकाइटिस. स्मोक, सिगरेट स्मोक सप्रेसेस अ प्रोटीन दैट कॉजेस द नेचुरल डेथ ऑफ म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स. हमारी बॉडी एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसका काम ये होता है कि वो म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स को ख़त्म करें. म्यूकस नज़ला जो होता है, आप जो नज़ला करते हैं, फ्लेम जो निकालते हैं, वो म्यूकस होता है बेसिकली, बलगम जो होता है. तो उसको ख़त्म करने के लिए एक प्रोटीन हमारी बॉडी नेचुरली क्रिएट कर रहा होता है, लेकिन जो सिगरेट स्मोक है वो उस प्रोटीन की बनावट को रोक देता है. अब क्योंकि म्यूकस प्रोड्यूस जो प्रोटीन म्यूकस प्रोड्यूस सेल्स को किल करता है, अब क्योंकि वो प्रोटीन हमारी बॉडी क्रिएट नहीं कर रहा, तो उसके वजह से क्या होता है कि हमारे एयर पैसेज वे ट्रेकिया के अंदर जलन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर ब्रोंकाइटिस की बीमारी होती है. एंड नंबर टू, एम्फिसीमा. Smoking leaves chemical deposits in the very delicate and vulnerable alveoli. Smoking करने की वजह से हमारा जो सिगरेट होता है, जो स्मोक करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, लाइक निकोटीन, टार एंड अ लॉट ऑफ केमिकल्स. तो वो केमिकल्स हम जब स्मोक करते हैं तो वो जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे ट्रेकिया के अंदर या alveoli के अंदर आके जमा होना शुरू हो जाते हैं. तो वो जमा जब होना शुरू हो जाते हैं तो उसके वजह से उसका एक इफेक्ट पैदा होता है कि वहाँ के सेल्स जो है ख़त्म होना, यानी वो किल हो जाते हैं. दे डाय, द सेल्स ऑफ alveoli डाय. जब alveoli के सेल्स डाय आते हैं तो alveoli खुद अपना फंक्शन खो देता है. इवेंचुअली द थिन सेल वॉल्स इन द alveoli आर डिस्ट्रॉयड. जो alveoli के सेल्स होते हैं वो जो है ख़त्म हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन एम्फिसीमा. तो इसमें क्या होता है कि जो alveoli के जो सेल्स जब डिस्ट्रॉय आते हैं तो alveoli फंक्शन करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से एम्फिसीमा होता है. नंबर थ्री, न्यूमोनिया. स्मोकिंग डैमेजेस योर बॉडीज नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट द बैक्टीरिया एंड वायरसेस. अब स्मोकिंग जो है सिर्फ हमारे लंग्स को अफेक्ट नहीं करता, वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है, और जो बैक्टीरिया और वायरसेस जो न्यूमोनिया कॉज करते हैं वो हमारे बॉडी पर आसानी से अटैक कर सकते हैं, और जिसकी वजह से न्यूमोनिया हो जाता है हमको. नंबर फोर, एस्मा. सिगरेट स्मोक इरिटेट्स द एयरवे.
making them swollen, narrow and filled with sticky mucus resulting in asthma. सिगरेट का जो स्मोक होता है वो ट्रेकिया के अंदर क्या करता है, इरिटेशन क्रिएट करता है. इरिटेशन इन द सेंस कि उसमें जो खुजली होती है एक, ठीक है. तो खुजली से अक्सर आप लोगों को नजर जुकाम होता है तो आप लोग कहते हैं गले में खुजली हो रही है, खिचखिच हो रही है, ठीक है. तो वैसे ही ट्रेकिया के अंदर खिचखिच खुजली वो स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो सूज जाता है. और सूजन की वजह से क्या होता है कि जो अंदर का जो रास्ता होता है वो पतला होता है, नैरो हो जाता है. और वो नैरो इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर जो म्यूकस है वो जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है. तो म्यूकस की वजह से जब वो पतला हो जाता है पाथवे, तो उस बीमारी को हम लोग कहते हैं एस्मा. और वो अगेन सिगरेट की वजह से भी कॉज हो सकता है. आफ्टर डेट वी हैव लंग कैंसर. सिगरेट के अंदर एक केमिकल मौजूद होता है कार्सिनोजेन. कार्सिनोजेन इज द मेजर कॉजिंग कैंसर. यानी जितने भी कैंसर हैं, चाहे वो आई कैंसर हो, स्किन कैंसर हो, लंग कैंसर हो, कोई किसी भी टाइप का कैंसर हो, इट इज ऑलवेज कॉज बाय कार्सिनोजेन. और सिगरेट स्मोक के अंदर, सिगरेट्स के अंदर कार्सिनोजेन मौजूद होता है, तो इसका मतलब ये है कि जब सिगरेट स्मोक हमारे लंग्स के अंदर जमा होना शुरू जाते हैं तो कार्सिनोजेन हमारे लंग्स में जमा होना शुरू जाएंगे. एंड सिंस कार्सिनोजेन कॉजेस कैंसर, तो हमारे पास लंग कैंसर हो जाता है फॉर बिकॉज ऑफ स्मोकिंग. ओके, सो आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 हैज बीन कंप्लीटेड, द एक्सप्लेनेशन, द शॉर्ट आंसर्स एंड द एक्सटेंसिव रिस्पॉन्स आंसर्स. ओके, अल्लाह हाफिज़.